नमस्कार दर्शकों, आपके प्यारे चैनल रिदम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं ज्योतिषाचार्य अमित कुमार, मैं आपको यह बताने के लिए उपस्थित हुआ हूं कि आपका दिन आज का कैसा है और आपके लिए कैसा जाएगा। तो इसलिए आज शुरुआत करते हैं आज के दिन के बारे में। आज है शक संवत 1945, विक्रम संवत 2080, पिंगल नाम का संवत्सर है और अभी जो चल रहा है वो समय है अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। सूर्य दक्षिणायन है और ऋतु है हेमंत। तो यह आपके आज का दिन का परिचय हुआ। अब आपके बारे में बताया जाए कि आपका दिन कैसा जाएगा और आपका समय कैसा है। तो यह देखा जाए तो उसमें देखा जाए तो मेष राशि वालों को पहले देखा जाए कैसा है। मेष राशि वालों के लिए समय बहुत ही ज़्यादा उलझनों वाला चल ही रहा है। आप परेशान बहुत हैं, बहुत सारे डिसीजन लेने में उलझे हुए हैं। कोई बात नहीं, आप अपने आप को दुखी होने से बचाएं और अपने अच्छे डिसीजन को लेने की कोशिश करें। गलत डिसीजन को ना लें। गलत डिसीजन गलत भी हो सकता है, इसीलिए गलती ना हो इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए बहुत सावधानी बरत के एक बात को 10 बार विचार करें तो अच्छा रहेगा। क्योंकि आपका मन क्रोधित भी है और आप थोड़े डिप्रेशन जैसे, मतलब मानसिक रूप से मनोबल कमजोर हो रखा है, आपका विल पावर ड्रॉप कर रहा है। तो इसीलिए विल पावर को गिरने मत दीजिए, आत्मविश्वास खोने मत दीजिए। बढ़िया से शांतिपूर्वक बैठ करके विचार करें तो अच्छा रहेगा। सबसे अच्छा तो ये रहेगा किसी बड़े बुजुर्ग से बैठ करके डिस्कस करके अपनी जिंदगी का डिसीजन लें, अपने सीनियर से मिल करके डिसीजन लें तो अच्छा रहेगा। क्योंकि आपका मन तो, आत्मविश्वास तो कम हो रहा है, साथ साथ आपके अंदर थोड़ा डिप्रेशन भी दिख रहा है। ऐसे में डिसीजन आप पूरी तरह से ठीक नहीं ले पाएंगे। तो किसी के साथ मिल करके अगर अच्छा डिसीजन लेंगे जो आपका शुभ चिंतक हो तो आप सही डिसीजन ले पाएंगे और समय का सदुपयोग कर पाएंगे। तो दर्शकों, आइए वृषभ राशि वालों का हाल देखा जाए। वृषभ राशि वाले इस समय पर बात नहीं करना चाह रहे हैं, मतलब उनके मन में बात करने की इच्छा नहीं। मन चुप उदास सा हो रखा है, दुखी सा हो रखा है। दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। माना कि समय आपका थोड़ा सा खराब चल रहा है, आपके फीवर में नहीं चल रहा है, आपको बहुत डिटैचमेंट सा फील हो रहा है, आपका मन नहीं कर रहा है कुछ करने का। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब समय खराब होने वाला है, आपके समय बदलने वाला है। इसीलिए मन में निराशा को नहीं बैठने दीजिए, बातें करिए। और मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा रहेगा अगर आप समय आपके पास थोड़ा निकाल करके मंत्र जाप कर लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। खास तौर पे मंत्र जाप में, अगर आपको जाप करने के मामले में अगर विष्णु भगवान के लिए आप जाप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप अगर करेंगे तो आपके मन में आपका मनोबल थोड़ा अच्छा होएगा, आपके अंदर थोड़ी सी खुशी आएगी, आनंद आएगा और उसके बाद आप सही डिसीजन ले पाएंगे और लोगों से बात करने में आपको हिचक नहीं होगी। नहीं तो आपको लग रहा है कि क्या बात करें, क्या फ़ायदा बात करने का, जैसे एक तरह से दिल टूट सा गया है। तो ऐसा मत होने दीजिए। खूब पानी पीजिए आज के दिन और कोशिश करिए कि म्यूजिक भी सुनने की कोशिश कर सकते हैं तो बहुत अच्छा। अगर आप कुछ भी नहीं कर पाते हो तो कम से कम विष्णु सहस्त्र नाम लगा करके अपने कान में ब्लूटूथ या लीड लगा करके सुनते रहिए। ऐसा करने से भी वाइब्रेशन आपके अंदर के जो नेगेटिविटी उसको खत्म करके पॉजिटिविटी ले आएगी मंत्र की, इससे काफ़ी अच्छा रहेगा और आपका दिन शुभ रहेगा। आज एकादशी वैसे भी है, अगर आप चाहें तो एकादशी का व्रत उपवास कर सकते हैं, ये भी आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। और हरे कृष्ण का मंत्र भी जाप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मिथुन राशि वालों का आज का दिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है। और इसमें पर मन में जो एक विचार चल रहा है वो थोड़ा सा निराशा वाला चल रहा है। ऑप्शंस तो बहुत हैं, बहुत कुछ आप कर सकते हैं, बहुत कुछ करने की काबिलियत भी है, ऊर्जा भी बहुत है, लेकिन मन में थोड़ा सा उदासी सी आ रखी है, जैसे उदासी से हो रखी है। अगर आप सोते हैं तो उठते समय आपको चाव नहीं रहता है कि उठ के आगे बढ़ें, आपको समझ भी नहीं आता करा क्या जाए। क्योंकि करने को भी ऑप्शन मिल रहा है लेकिन एक क्लियर पाथ नहीं मिल रहा है, आपको रास्ता नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन घबराए नहीं, कोशिश करें कि आज के दिन अच्छा सा कुछ अच्छी वाइब्रेशन का इस्तेमाल करें, जैसे कि आप मंत्र जाप करें, साथ साथ पानी पिएं। और पानी पीने समय अगर मंत्र जाप, अगर जल अपने सामने रख दें किसी लोटे में आधा जल या 1/3 जल रखें और मंत्र जाप करें और उसके बाद उस जल को पिएंगे तो आपका उसके थ्रू भी वाइब्रेशन आपके शरीर में जाएगा और आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। तो अब डिसीजन लेने का तो ऑप्शन आपको बहुत मिल रहे हैं, अच्छे बुरे सही गलत बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो आप जब पॉजिटिव हो जाएंगे तो आपको पॉजिटिव ऑप्शन ही करने का मन करेगा और वही चीज़ हो भी पाएगी, इससे आप सदुपयोग कर पाएंगे समय का। और किसी भी तौर पे आज के दिन आप अपने ज़िंदगी में ऐसा गड़बड़ ना सोचें कि मेरे ज़िंदगी में गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये समय थोड़ा सा उलझा हुआ है लेकिन ये समय आपको अच्छा भविष्य देने वाला है। तो इसलिए आप ऐसे का सदुपयोग करेंगे तो आप दिन का पूरा लाभ ले पाएंगे और दिन आपका शुभ रहेगा। तो आइए दर्शकों, अब देखते हैं कर्क राशि के बारे में।
कर्क राशि वालों का हाल थोड़ा सा चिंता वाला है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान से हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, उदास हो रहे हैं, जिसकी आवश्यकता है नहीं। बहुत ज़्यादा किसी बात पे विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है, काफ़ी अच्छे तरीके से समय मौका दे रहा हूँ उनको आगे बढ़ने का, उनके साथ नए ऑप्शंस आ रहे हैं। हालांकि कंपटीशन बहुत टफ है, बहुत सारे प्रतिद्वंदी या कहिए कंपटीशन में बहुत ज़्यादा टफ हो रहा है, लेकिन फिर भी सफलता तभी मिलती है जब आप किसी कंपटीशन में जाते हैं। अगर आप घर बैठे रहते हैं, कुछ नहीं कंपटीशन करते हैं, तो फिर आप एक ऑर्डिनरी ही जिंदगी जीते हैं। तो इसको चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़ने की कोशिश करें तो बहुत अच्छा रहेगा, दिन का पूर्ण सदुपयोग कर पाएंगे। और अगर आपको फिर भी नहीं मन लग रहा है, अगर मतलब मन उदास हो रहा है, तो आप आज एकादशी का फास्ट कर लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से प्रभु का ध्यान करिए और हरे कृष्णा मंत्र का जाप करिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र का जाप बहुत ही फायदेमंद होगा। जितना जाप कर सकते हैं करें, बजाय चिंता करने के जाप कर लीजिए। चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी, मन चिंता से मुक्त हो जाएगा और बहुत अच्छे से आप दिन का सदुपयोग करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो दर्शकों, आज अब सिंह राशि के बारे में देखें, आज सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। आज के दिन सिंह राशि वालों का ऐसा दिखता है कि उनका मन तो बहुत अच्छी बातें सोच रहा है, प्लानिंग कर रहा है, लेकिन प्लानिंग पूरी तरह से एग्जीक्यूट होने लायक नहीं हो पा रही, मतलब पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पा रही है, बात बन नहीं पा रही है, जिसकी वजह से उनके अंदर थोड़ी सी निराशा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है। लेकिन फिर भी मेरे विचार से आपको प्लानिंग करने में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जब दिन बहुत तेज़ी से सुधार आ जाएगा दिन में और आपको उस पर काम करना होगा, तब आपके पास प्लानिंग नहीं होगी तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए प्लानिंग करते रहें और किसी बात की चिंता फिक्र ना करें। अपने जीवन साथी का सहयोग लें, यदि आपको सहयोग चाहिए तो अपने जीवन साथी का, अपने पार्टनर का सहयोग ले सकते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर और जीवन साथी की स्थिति अच्छी दिख रही है, वो आपको सहयोग देने में सक्षम हैं। तो यही तो होता है साथी का फ़ायदा, जब आपका समय खराब हो तो वो साथ दें और आपकी गाड़ी आगे बढ़ाएं, जब आपका समय अच्छा हो उनका खराब हो तो आप उनका साथ दें। तो इस तरह से आप अगर चाहें तो आगे बढ़ सकते हैं और अपने ज़िंदगी का बेहतर समय बताने के लिए आज का सदुपयोग कर सकते हैं। कन्या राशि वालों के लिए जो समय दिख रहा है, वो समय ऐसा दिख रहा है कि कन्या राशि वाले भावनाओं में तो बहुत आ रहे हैं, बहुत सारी बातें मन में, विचार बहुत आ रहे हैं, थॉट्स बहुत आ रहे हैं, ठीक से नींद भी नहीं आ पा रही है, लेकिन फिर भी बुरे मतलब नेगेटिव थॉट्स की वजह से आप जो सोच रहे हैं वो कई बार भय से सोच रहे हैं, मतलब आपको डर लग रहा है कि शायद गड़बड़ हो जाए, शायद ऐसा हो जाए, शायद वैसा हो जाए। तो मेरे विचार से इन बातों पे ध्यान न दें, आप ये ध्यान दें कि क्या करने से कैसा रिजल्ट आ सकता है, इसके बारे में प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, सेफ्टी का ध्यान रख लीजिए, कोई बुराई नहीं है, और क्रोध बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि क्रोधित होने का योग आ रहा है, अचानक क्रोध आ जाएगा और सारा काम बिगड़ जाएगा। तो इसलिए बिल्कुल क्रोध नहीं करते हुए बहुत अच्छे तरीके से, सॉफ्ट तरीके से अगर आप डील करेंगे किसी बात पे, कोई काम करेंगे, तो आपका सफलता मिलना निश्चित है। अगर फिर भी आपको दिक्कत आ रही है तो आप महामंत्र का जाप कर सकते हैं, इससे आपके बहुत सारी चीज़ों में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, जो अंदर इनसिक्योरिटी है, भय है, डर, उससे मुक्त हो जाएंगे। महामंत्र आपको पता ही है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका जाप करें बहुत अच्छे तरीके से। जब तक आप दुखी होने का मतलब, तब तक आप दुखी हैं, तब तक अगर जाप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप दुखी रहेंगे ही नहीं, मतलब आप दुखी हैं बैठ जाइए जाप करने, जाप करते करते आपका मन पॉजिटिव हो जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से आपका माइंड काम करना शुरू कर देगा। तो ऐसा करना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। तो दर्शकों, तुला राशि वालों के लिए अब समय जो दिख रहा है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि इस समय पर आपका आत्मविश्वास कूट कूट के भरा हुआ है, आपका दिमाग बहुत अच्छा काम कर रहा है, पावरफुल है, आप स्ट्रांग हैं, लेकिन बस ये है कि आपका भी कुछ काम के मामले में, व्यवसाय के मामले में, जो भी नौकरी कर रहे हैं, इसमें कुछ ऐसी दिक्कतें चल रही है जिसमें आप थोड़े से परेशान हो रहे हैं, फंस रहे हैं, मतलब पॉलिटिकली या कुछ आपके खिलाफ षड्यंत्र जैसा दिख रहा है, लेकिन ये परमानेंट नहीं है, तो इसलिए इसको सीरियसली लेकर के आगे के लिए चिंतित ना हो जाएं, ये समाप्त हो जाएगा, बहुत बेहतर हो जाएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि इस बीच में आपको बहुत सारे डिसीजंस लेने अच्छे तरीके से, क्योंकि ये डिसीजन लेने से आपकी ज़िंदगी में तरक्की होगी और आगे बढ़ने का, बहुत अच्छा तरक्की करने का योग बन जाता है। तो इसलिए आप इस बात के लिए प्लानिंग करते हुए अच्छे तरीके से आगे बढ़ेंगे तो ही ठीक रहेगा, और आज के लिए दुखी होने की आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं है। आज शुभ है और शुभ दिन का फायदा उठाएं। तो दर्शकों, वृश्चिक राशि वालों का क्या हाल है देखिए, अगर तो बहुत बढ़िया हाल है। वृश्चिक राशि वाले अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझ रहे हैं, उनका मन बड़ा प्रफुल्लित है, खुश है और अच्छा है। तो इसलिए अच्छे मन से आज के दिन बहुत अच्छा डिसीजन लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। आज के दिन आप कोई भी प्लानिंग करना चाहते हैं, बड़ों से सहयोग लेना चाहते हैं, आशीर्वाद लेना चाहते हैं, शुभता करना चाहते हैं, तो बहुत बढ़िया है। अगर आपको दर्शन भी करना है, मंदिर भी जाना है, तो आप जा सकते हैं।
और अगर इस तरह से अगर आप आशीर्वाद ले पाते हैं तो आपकी ज़िंदगी में काफ़ी बेहतर होगा। और अभी जो ज़िंदगी में उलझने चल रही हैं, परेशानियां चल रही हैं, ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें उलझ गई हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो ये सब आप भ्रम दूर करें। बढ़ना ही निश्चित है और यही सच है कि आप बढ़ेंगे, लेकिन बस यही कि कुछ समय की बात बनती है। आपके जीवन साथी का, पार्टनर का सहयोग मिल रहा है तो आपस में एक मतभेद ना रखें, आपस में क्रोध किसी तरह नहीं आना चाहिए, किसी बात को सीरियसली लेकर के आपस में डिस्टेंस नहीं मेंटेन करें, बल्कि आप अच्छा पॉजिटिव सोच करके उनके साथ तालमेल बिठाएंगे तो बहुत ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ जाएंगे और आगे बढ़ते हुए आप सफलता को पक्का प्राप्त करेंगे। ऐसा ही योग है, क्योंकि अभी समय वृश्चिक राशि वालों के लिए बेहद अच्छा आने वाला है। इसको इस बात को दिमाग में रखें, उसके हिसाब से ही जो कुछ करें तो अच्छा रहेगा। आज बहुत ही शुभ और भाग्यशाली दिन है आपका। दर्शकों, धनु राशि के बारे में अगर देखा जाए तो धनु राशि वाले बड़े बुजुर्गों से रिलेटेड बहुत सारे चिंताओं में हैं। उनको लग रहा है कि ठीक होते तो अच्छा होता, उनको कोई तकलीफ है तो उसकी वजह से इनके मन में बहुत ज़्यादा गहरी चिंता से दिख रही है और उनको इस बात की बहुत फिक्र है कि वो ठीक हो जाए जल्दी। बड़े बुजुर्ग या कोई भी पूजा पाठ, इन सब में वीकनेस आ रहा है, कमी दिख रही है, कमजोरी आ रही है, ऊर्जा कम दिख रही है, तो इसकी वजह से आप ये मत समझ लें कि ये परमानेंट सा हो गया या आपकी ज़िंदगी में कोई लॉस है। यदि बुजुर्ग परिवार के बड़े अगर बीमार हैं या कमज़ोर हैं, अस्वस्थ हैं, तो किसी अशुभ की आशंका से परेशान ना हो जाएं। ऐसा नहीं है, ये सब टेम्प्रोरी है और इसके लिए आप प्रार्थना करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपका आत्मविश्वास भी कमज़ोर हो रहा है, लेकिन फिर भी आपका अच्छा दिख रहा है कि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं और साधुत्व की तरह से एक अच्छे से परोपकार की भावना रख के आप जीना चाह रहे हैं, अच्छी बात है, ये बहुत अच्छे विचार हैं आपके। हाँ, ये है कि बहुत ज़्यादा गहरी चिंता कर रहे हैं तो इतना चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा आराम करते हुए, आराम से रिलैक्स मूड में कुछ प्रार्थनाएं करें, बड़े बुजुर्गों के लिए भी प्रार्थनाएं करेंगे तो बहुत ही फायदेमंद रहेगा, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हैं और आपके आपकी प्रार्थना बहुत ज़्यादा मायने रखती है। आपके अंदर शुभ विचार बहुत अच्छे आते हैं, तो अपने शुभ विचार से, अच्छे मन से अगर प्रार्थना करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा लाभान्वित हो जाएंगे और अपने बड़े बुजुर्गों के लिए भी ठीक कर सकते हैं। सूर्य भगवान को जल देना, सूर्य भगवान के दर्शन करना, अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो सूर्य भगवान की तरफ देख करके उनको नमस्कार करें, उनसे प्रार्थना करके, हे सूर्य भगवान मुझे शक्ति दीजिए, मेरा आत्मबल मजबूत करिए, जिससे मैं अपने जीवन के संकट मुसीबत से बच करके सफलता प्राप्त कर सकूं और अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा कर सकूं। अगर आप ऐसे करेंगे तो इससे आपको बहुत फायदा होगा और आप इतने काबिल बन पाएंगे, आपकी इतनी अच्छी ऊर्जा हो जाएगी कि आप अपने बड़ों की, सीनियर्स की, बड़ों की और बुजुर्गों की सेवा भी कर पाएंगे, उनको मदद कर पाएंगे, तो ऐसे आपके आत्मा को बहुत सुकून मिलेगा कि जो अच्छा करना चाह रहे थे वो कर पाएंगे और आप दिन का सदुपयोग कर पाएंगे। दर्शकों, मकर राशि की बात करें तो मकर राशि वालों के लिए ऐसा समय है जिसमें पर कुछ शुभ समाचार मिलने की संभावना दिख रही है, आपके साथ बहुत कोई अच्छी घटना घटने की भी संभावना है। शुभ समाचार इतना शुभ होगा जो आपसे संबंधित होगा या आपके जीवन साथी से या पार्टनर से संबंधित होगा, जो आपको आनंदित करेगी। ये समय ऐसा है जिसमें पर आप सही तरीके से डिसीजन लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उथल पुथल चल रहा है और अच्छे के लिए चल रहा है। हाँ, ये जरूर है कि आपको तरक्की करने का योग निश्चित दिख रहा है, इसीलिए इस समय पर जो भी समाचार आता है उस समाचार को सीरियसली लें। अगर आपको कोई ऐसा अपॉइंटमेंट लेटर आता है, जॉब के लिए कोई आता है अपॉइंटमेंट लेटर या ऐसा कोई जॉब के चांसेस बनते हैं, कोई बताता है, तो उस बात को सीरियसली लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। या बिजनेस में कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई डील मिलती है, उसको भी सीरियसली ले लीजिए, क्योंकि ये सब समय बार बार नहीं आता है। समय का सदुपयोग करिए और अपॉर्चुनिटी को भी अवेल करने की कोशिश करिए, इससे आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे और अब आपके अंदर बहुत सुकून शांति आएगी कि हाँ, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप नहीं अवेल करेंगे तो समस्या बनी रहेगी और हो सकता है कि उससे आपको बढ़ने में दिक्कत मिल पाएगी, क्योंकि गलती आपकी होगी कि आपने समय का सदुपयोग नहीं किया है। तो ऐसा करने से आपकी ज़िंदगी में काफ़ी अच्छा रहेगा। देखिए, कुंभ राशि वालों के बारे में अगर बात करें तो कुंभ राशि वालों का समय बहुत तरक्की करने का दिख रहा है, आगे तरक्की, बहुत बड़ी तरक्की होने वाली है। इसके लिए पहले से तो बेस बनेगा ही ना, तो इसलिए से अभी से ही बेस बनना दिख रहा है, लेकिन आप इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं और समझ नहीं पाने की वजह से थोड़े से ज़्यादा उलझ करके परेशान हो जा रहे हैं, जो बिल्कुल ही ठीक नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से आपके अंदर चिड़चिड़ापन आ रहा है, आपके अंदर परेशानी आ रही है, आप इसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत मल्टीटास्किंग वाली आपकी ज़िंदगी हो गई है। आप कभी कुछ करना पड़ रहा है, आपको कभी कुछ करना पड़ रहा है, ऐसी ऐसी दिक्कतें आ रही हैं, और ऐसा भी हो रहा है आपके सपोर्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं। आपको सबॉर्डिनेट्स होंगे जो आपको आपका आपकी मदद करने वाले, सेवा करने वाले, वो सब अभी आपके लिए अवेलेबल नहीं होंगे या साथ नहीं दे पा रहे होंगे जैसा देना चाहिए। तो इन सबसे आप विचलित होकर के, आप चिड़चिड़े होकर, परेशान होकर के अगर आप सही डिसीजन नहीं लेंगे, सही प्लानिंग नहीं करेंगे तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए बहुत स्थिर मन से अगर प्लानिंग करेंगे तो आप आगे के लिए बहुत बड़ी प्लानिंग करें, अच्छे समय को बदलने के लिए, अब तरक्की करने के लिए कैसे करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, अगर प्लानिंग करेंगे तभी आप सही सफल हो पाएंगे, समय का सदुपयोग कर पाएंगे, ऐसा
होगा। तो इसीलिए आप इस तरीके से अच्छे तरीके से अगर आज का दिन प्लानिंग में लगाएं और स्थिर मन से लगाएं, किसी की मदद नहीं मिलेगा ऐसा मानते हुए करेंगे और खुद का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो बढ़िया रहेगा। और इस समय पर जरा भी विचलित ना हो, कहीं भी एंटरटेनमेंट में या किसी टाइम वेस्ट करने में ना लगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा और समय का सदुपयोग करके आगे बढ़ ही पाएंगे निश्चित तौर पर। दर्शकों, मीन राशि वालों के लिए तो ऐसा है कि मीन राशि वालों का दिमाग बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छे विचार के साथ शांत चित्त से बहुत अच्छे से अपना दिमाग का इस्तेमाल करने का योग इनका बन रहा है। तो दिमाग का इस्तेमाल करिए, अच्छे तरीके से प्लानिंग करिए, अच्छे से विचार रखिए और दिल में बड़ा प्यार आ रहा है तो आप प्यार व्यक्त करिए सबके प्रति, जो आपके जीवन साथी हैं, पार्टनर हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, सबके लिए बहुत अच्छा सोचिए, बहुत अच्छी प्लानिंग करें तो इससे बहुत अच्छा रहेगा। और इसमें एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आपके साथ आप जो भी योग बन रहा है वो बहुत ज़्यादा एक तरह से कॉम्प्लेक्सिटी के साथ बन रहा है, तो उस कॉम्प्लेक्सिटी में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, स्मूथली स्टेप बाय स्टेप एक एक करके एक टास्क कंप्लीट करते जाइए, आज ये करना है, अब ये करना है थोड़ी देर में। तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आज की डेट पे अपनी प्लानिंग के लिए टाइम टेबल बनाएं कि कब क्या करना है, क्योंकि तो आप बहुत अच्छे मन के साथ काम तो करेंगे, पता चला एक ही काम करने में सारा समय लगा दिया, दूसरा काम अधूरा रह जाएगा, ऐसे चांसेस बन रहे हैं क्योंकि मल्टीटास्किंग जैसा आपका दिख रहा है, रोल दिख रहा है इसमें पर, और आप सभी काम करने में सफल हो सकते हैं, योग्य भी हैं आप, आपके अंदर कोई ऐसी कमी नज़र नहीं आ रही है। तो इसलिए कोशिश करिए कि सिस्टमेटिकली आज की प्लानिंग बनाइए, टास्क टू डू क्या क्या है लिखिए और स्टेप बाय स्टेप करते जाइए और टिक लगाते जाइए। अगर ऐसा करेंगे तो आप सारा काम निपटा सकते हैं। आज इतना बढ़िया दिन है कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी, सभी कुछ करके बहुत अच्छे तरीके से समय का सदुपयोग करके सफल हो सकते हैं और आगे बढ़ने में बड़ी मदद मिलेगी ऐसा करेंगे। तो इस तरह से आप अपने दिन का पूरा सदुपयोग करिए और दिन को शुभ करिए। तो दर्शकों, आज विशेष दिन है, आज के बारे में आपको बताएं तो आज पापांकुशा एकादशी है। पापांकुशा एकादशी जो होती है ऐसी एकादशी होती है जिसका अगर व्रत उपवास वगैरह पालन करेंगे तो बहुत फायदा होगा, इससे आपके पाप का शमन होता है। तरह तरह का मौका भगवान देते हैं कि आप अपने पाप को निपटा लीजिए, आप मोक्ष पा लीजिए, आपके जीवन में बेहतर हो, बहुत कुछ करने के लिए आपको मौका मिलता है और ये मौका आपको पाप मुक्त होने के लिए है। तो कोशिश करें कि एकादशी का व्रत उपवास वगैरह करें और इसमें समझने की कोशिश करके व्रत और उपवास में क्या डिफरेंस होता है। उपवास जो होता है इसका मतलब आप भोजन का त्याग करते हैं, व्रत का मतलब होता है कि हम ये करने का संकल्प लेते हैं, मतलब आप हो सकता है कि आज आप बिल्कुल किसी के बारे में निंदा नहीं करेंगे तो ये व्रत लिया कि मैं किसी की निंदा नहीं करूंगा या मैं आज सोऊंगा नहीं तो मैं ये नहीं करूंगा, तो ये सब व्रत होता है जिसका भोजन से मतलब नहीं होता है, एक कमिटमेंट होता है व्रत। और उपवास जो होता है वो भोजन से रिलेटेड होता है कि आप भोजन नहीं करेंगे, तो इसलिए आप दोनों अगर चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अच्छा रहता है, सबसे अच्छा रहता है कि निराजल एकादशी करें, मतलब आप कुछ भी ग्रहण ना करें, तो उससे कि क्या होता है कि आपके पेट को भी बड़ा आराम मिलता है और आपको बहुत सारी बीमारियां नहीं होती, क्योंकि पेट जब रेस्ट करता है, पेट के पास कोई काम नहीं होता है तो उसमें बॉडी मेंटेनेंस करता है, अगर आपको बड़ी बड़ी बीमारी हो रखी है तो उनसे लड़ने की क्षमता शरीर के पास आ जाती है और लड़ करके उस बीमारी को ठीक करने की कोशिश करता है, रोग मुक्त करने की कोशिश करता है। इसलिए इसका वैज्ञानिक कारण भी है व्रत का और उपवास का, बड़ा फायदा होता है, इसीलिए अपने धर्म में व्रत उपवास को बड़ा महत्व दिया गया है और ज़्यादा ऊर्जावान बनने के लिए ऐसा कोशिश किया जाता है। तो इसलिए आप भी कोशिश करिए कि नियम बनाइए कि एकादशी के दिन कम से कम फास्ट कर लिया करेंगे, कम से कम हम महीने में दो बार एकादशी आती है और दो बार अगर फास्ट करेंगे तो इससे आपके शरीर में बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस अच्छा होएगा और आप बीमार होने वाले थे तो होंगे ही नहीं। तो इसलिए कोशिश करिए कि एकादशी का फास्ट कर लीजिए और इस जीवन में अपने अपने को स्वस्थ रख करके मरीज मत बनिए, किसी हॉस्पिटल के चक्कर लगाने की नौबत ना आए, इसके लिए तैयार हो जाइए। धन्यवाद, उम्मीद करते हैं आपका दिन सफल रहेगा, शुभ रहेगा और आप लाभान्वित होंगे।